लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कस ली कमर। पिछले दो लोकसभा चुनाव से कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट उत्तराखंड में हासिल नहीं हो पाई है, जिस वजह से कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से कर रही है। लोकसभा चुनाव को भले ही अभी वक्त बाकी हो, लेकिन कांग्रेस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जिस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी ने उधमसिंह नगर के काशीपुर में कुमाऊं मंडल का सम्मेलन किया, जिसमें सबसे पहले नैनीताल की लोकसभा सीट को लेकर मंथन किया गया, साथ ही कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता भी वहां शामिल हुए। पिछले दो लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में उत्तराखंड में लोकसभा की पांचों सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश में कमजोर नजर आने लगी। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस पूरे दमखम से लड़ने को तैयार नजर आ रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की सभी सीटों पर अपनी जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। भले ही अभी लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस की तैयारियां तेज हैं। उधमसिंह नगर में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, कुमाऊं मंडल के सभी कांग्रेस विधायक और पार्टी के सभी पदाधिकारी इस लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन के बारे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे जिला सम्मेलन शुरू होने हैं, उससे पहले हमारे आदरणीय विधायक आदेश वाहन जी ने ये निर्णय किया कि मैं एक बार उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के सभी अध्यक्षों को, सभी कार्यकर्ताओं को, सम्मानित कांग्रेस जनों को, सीनियर्स को बुलाऊंगा और मैं चाहता हूं उनके संग शुरुआत हो। तो ये पहला फेज आप इसको ले सकते हैं और इससे एक हलचल शुरू होगी और निश्चित ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश है। ये पहली बैठक है, इसके बाद हमारी गढ़वाल के कई जिलों में बैठकें हैं और दिसंबर के पहले हफ्ते तक हम पूरे 13 के 13 जनपदों में इस तरीके की बैठकें कर लेंगे। आपको बता दें कि इस बार कांग्रेस के पास बीजेपी को घेरने के लिए मुद्दों की कमी नहीं है। पेपर लीक का मामला हो, अंकिता हत्याकांड की बात हो, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई पर भी कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही है, जिसके बाद बीजेपी के लिए भी इस चुनाव में उत्तराखंड की सीटों पर मेहनत करने की जरूरत पड़ने लगी है। हालांकि बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी बड़ी और शक्तिशाली छवि के नेता हैं, लेकिन कांग्रेस भी पूरी तैयारी से चुनाव में उतरने को तैयार है। आपको क्या लगता है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटों पर किसकी जीत होगी, कमेंट करके जरूर बताएं। उधम सिंह नगर से रमेश चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड तक।